जो हम देखने वाले हैं वो है अटेंडेंस शीट, जो कि अटेंडेंस शीट या एम्प्लॉय की अटेंडेंस शीट अगर आपको बनानी हो तो किस तरह से एक्सेल में हम अटेंडेंस शीट को क्रिएट कर सकते हैं, तो इसके दो तीन फॉर्मेट्स में आपको बताऊंगी। तो पहले हम एक सिंपल तरीके से अटेंडेंस शीट कैसे बनाते हैं वो देखते हैं, फिर उसी में आपको एडवांस अटेंडेंस शीट यानी आपको मंथ वाइज अगर आपको सेट करनी हो तो वो कैसे बनाएंगे, अलग अलग तरीके से अटेंडेंस शीट बनाना आप देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अटेंडेंस शीट जो बनानी है उसके लिए हमें कोई नाम लिख लेना है। हम यहाँ पे कोई नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें ये हमने हेडिंग बना ली है, हेडिंग के साथ हमें सीरियल नंबर बनाना है। अरेंज करने के लिए हमें कहाँ तक लेना है अटेंडेंस शीट, हम कहाँ तक बनाएंगे, कितनी बड़ी अटेंडेंस शीट बनाएंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे नंबरिंग ऐड कर देते हैं। एक मंथ में या तो 30 डेज होंगे या 31 डेज होंगे, तो ये हमने नंबर 1 और 2 डाल दिया। अब इसको हम ड्रैग कर देंगे, दोनों को सेलेक्ट करके हमें कहाँ तक लेना है, 31 तक हमें लेना है। ये 31 तक यहाँ हम ले लेते हैं और दो कॉलम एक्स्ट्रा ले लेंगे, हम उसमें प्रेजेंट और अब्सेंट निकालेंगे, तो हमें यहाँ तक लेना है, ये हमने डाल दिया। और इसमें हमें ये जो हेडिंग हमने बनाई है, इस हेडिंग को हमें क्या करना है, वहां तक ले लेना है। अब एक ही स्क्रीन पे आपको अगर ये अपनी शीट देखनी है जहां तक आपने काम किया है, तो थोड़ा सा इसको छोटा बनाते हैं, कंट्रोल के साथ माउस को स्क्रॉल करेंगे। देखिए इस तरह से हम जूम साइज का कम कर रहे हैं, यहां तक हमें लेना है, 32 और 33 तक लेना है, यानी इसको हमें हेडिंग को मर्ज करना है। तो हमने इसको कर दिया सेलेक्ट और इसको कर देंगे हम मर्ज, मर्ज एंड सेंटर, ये देखिए मर्ज हो गया। और 32 और 33 को हम हटा देंगे क्योंकि हमें यहाँ पे प्रेजेंट और अब्सेंट लिखना है। अब हम इसका जूम साइज वापस बढ़ा कर लेते हैं। सबसे पहले हमें सीरियल नंबर और नाम बना लेना है। एक बार हम कुछ स्टूडेंट की डिटेल डाल लेते हैं, जैसे हमने 12 स्टूडेंट की एंट्री कर ली, ठीक है, यहाँ पे नाम लिख लेते हैं। ये हमने देखिए कुछ स्टूडेंट की डिटेल लिख ली। अब हमें थोड़ा सा फॉर्मेट जो है, देखिए अभी हमें फॉर्मेट को, इस पूरी अटेंडेंस शीट को देखने में भी दिक्कत हो रही है क्योंकि यहाँ तक ले रखा है। हमें क्या करना है, इसकी साइज थोड़ी सी हम कम कर देते हैं। कहाँ तक करनी है, जहां तक हमने नंबरिंग ऐड की है वहां तक। तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसमें हमें साइज कम करने के लिए फॉर्मेट ऑप्शन पे जाना है। फॉर्मेट में यहाँ पे आपको दे रखा है कॉलम की विड्थ, देखिए अभी 8 point something दे रखा है, आपको इसे थोड़ा सा कम करना है, 4 या 5 आप करके देख लीजिए। जैसे हमने यहाँ पे 4 किया, ओके किया, तो ये देखिए कॉलम की साइज इसकी कम हो जाती है। अब आप इसमें बॉर्डर भी सेट कर दीजिए, यहाँ पे भी हम प्रेजेंट और अब्सेंट लिख देते हैं, हम प्रेजेंट निकालेंगे और इसमें हम अब्सेंट निकालेंगे और इस पूरे को हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ तक और इसमें बना देते हैं बॉर्डर। ये हमने ऑल बॉर्डर बना, यहाँ तक हो जाने के बाद आपको इसको थोड़ा सा और फिनिशिंग देना है। तो फिनिशिंग देने के लिए यहाँ पे जैसे हमें हेडिंग को जो है वो थोड़ा सा साइज इंक्रीज करना है, इसकी साइज हम इंक्रीज कर देते हैं। इसके अलावा हम इसमें बॉर्डर वगैरह भी दे देते हैं, कलर फॉन्ट का कलर भी चेंज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें इसको सेंटर अलाइन भी कर लेना है, इसको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, सेंटर अलाइन, ये देखिए हमने सेंटर अलाइन कर दिया। को भी आप सेट करना चाहते हैं सेंटर अलाइन में, तो सबको एक साथ सेलेक्ट करके सेंटर अलाइनमेंट ले लीजिए। देखिए इसका फॉर्मेट बन गया है, आपको एक ही स्क्रीन पे पूरी टेबल आपकी दिखाई दे रही है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हम यहाँ पे करेंगे, देखिए अब्सेंट हमारे पास कम है तो मैन्युअली अब्सेंट आपको मार्क करना है, तो जहां जहां पे बच्चे की अब्सेंट है वहां पे अब्सेंट मार्क कर दीजिए इस तरह से। ये देखिए हमने यहाँ पे अब्सेंट मार्क कर दी उस बच्चे की, उस महीने की जहां जहां भी अब्सेंट थी या किसी एम्प्लॉय की अब्सेंट है तो वो हम अब्सेंट मार्क कर देते हैं। अब यहाँ पे सभी जगह पे प्रेजेंट लेना है यानी पी प्रेस करना है। अब पी हम मैन्युअली नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे इनको पूरे एरिया को सेलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे फाइंड एंड सेलेक्ट वाला जो ऑप्शन है इसमें हम रिप्लेस पे जाएंगे और रिप्लेस विथ में हम करेंगे पी प्रेस। एक पी किया, रिप्लेस ऑल कर दिया, ये देखिए ये सारे 352 रिप्लेसमेंट थे, हमने सारे रिप्लेस कर दिए, ये देखिए। अब इस एरिया को सेलेक्ट ही रखना है, प्रेजेंट और अब्सेंट दोनों एक साथ मिक्स हो गए हैं, हमें अब्सेंट को हाईलाइट करना है
ताकि हमें पता चले कि ये अब्सेंट है और ये प्रेजेंट है। तो अब्सेंट को हाईलाइट करने के लिए आपको जाना है होम टैब के अंदर ये कंडीशन फॉर्मेटिंग, इसको ओपन करेंगे, आपको जाना है हाईलाइट सेल रूल्स में, इसमें जाना है आपको इक्वल्स टू पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ये टॉपअप जो खुलता है इसमें आपको ए प्रेस करना है। यहाँ पे वैसे तो बेसिकली कलर भी दे रखे हैं, यहाँ पे कलर्स कई सारे दे रखे हैं लेकिन हमें यही वाला कलर लेना है, फील कलर। ये देखिए सेल का कलर फील हो गया है रेड में और टेक्स्ट का कलर भी रेड हो गया है। ओके कर देंगे तो अब हमारे पास यहाँ पे अब्सेंट जो है वो हाईलाइट हो जाता है। अब हमें ये देखना है कि उस स्टूडेंट की या उस एम्प्लॉय की कितनी प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट निकालने की हमें यहाँ पे लेना है काउंटिफ का फॉर्मूला। ध्यान रखिएगा काउंटिफ फॉर्मूला यूज करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फर्स्ट वाली स्टूडेंट की रेंज हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद डबल इनवर्टेड कॉमा में पी प्रेस कर देंगे। पी यानी प्रेजेंट, खाली पी प्रेस किया, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज किया, तो जितनी भी प्रेजेंट होगी वो काउंट करके आपको बता देगा। देखिए 27 उसकी प्रेजेंट है, अब्सेंट कितनी है वही फॉर्मूला हम लगा देते हैं काउंटिफ का। ब्रैकेट ओपन करेंगे, उस रेंज को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगा के डबल इनवर्टेड कॉमा में ए, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। इसी तरह से बाकी एम्प्लॉइज का या बाकी स्टूडेंट का भी हमें प्रेजेंट और ऑप्शन निकालना है, तो इसी फॉर्मूले को यहाँ पे दूसरे पे कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे। ये देखिए सभी की प्रेजेंट आ गई, उसी में जिन जिन की अब्सेंट है अब्सेंट को भी हम इस तरह से कर लेंगे, तो ये सबकी अब्सेंट भी आ गई। तो इस तरह से हमें प्रेजेंट और अब्सेंट भी मिल गया है, एक हमारी अटेंडेंस शीट जो है वो अच्छे से तैयार हो जाती है। इसी में नेक्स्ट अपन देखेंगे, एक महीने में 4 संडे भी आते हैं, हॉलीडेज भी आते हैं, तो उनको हमें अलग से, यानी संडे को अलग से शो करना हो तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन होगा कि 4 संडे हम अलग से इंक्लूड कर दें और संडे हाईलाइट भी हो जाएगी, इस महीने में ये संडे है। अब इस अटेंडेंस शीट को देख के एग्जैक्ट पता नहीं चलता है कि कौन से महीने की ये अटेंडेंस शीट है, तो वो नेक्स्ट में हम देखेंगे कि उसको हमें और अच्छे से प्रिपेयर कैसे करना है कि संडे भी हाईलाइट हो जाए और 4 संडे अलग से आपको दिख जाए। जैसे हमें संडे इंक्लूड करना हो, संडे हाईलाइट करना हो कि एक महीने में कितने संडे आते हैं, या हमें ये देखना हो कि किस महीने की अटेंडेंस शीट बनाई है, उसके लिए एक छोटा सा प्रोसेस हमें और करना है। पिछली अटेंडेंस शीट में जब हमने सिंपल अटेंडेंस शीट बनाना बताया था, सिंपल हमने नंबरिंग ऐड करना बताया था, यहाँ पे हम सिंपल नंबर ऐड नहीं करेंगे, हम उसको किसी फॉर्मेट के थ्रू ऐड करेंगे ताकि वो उसी महीने की अटेंडेंस शीट बने जिस महीने की आप बनाना चाहते हैं। अब हर महीने में, किसी महीने में 30 होते हैं, किसी महीने में 31 होते हैं और किसी महीने में 28-29 होते हैं, यानी फरवरी मंथ में 28 होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप डेटा को पिक कर लेता है। कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें डेट लेना है, तो डेट के लिए हमें फॉर्मेट में जाना है। फॉर्मेट में यहाँ पे आप जाएंगे फॉर्मेट सेल पे, फॉर्मेट सेल में आपको यहाँ पे लेना है कस्टम और यहाँ पे जनरल हटा के आपको 2 बार डी प्रेस करना है। डी का मतलब होता है 01, 02, 03। सिंगल आप नंबर लेना चाहे 1, 2, 3 तो खाली डी प्रेस करेंगे, तो डी का मतलब है हम 01 में लेना चाहते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप नंबर ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे 01 आ गया। अब थोड़ा सा फॉर्मूला बार पे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे अभी 1/1/1900 डेट दिख रही है, हमें अभी रिसेंटली वाली डेट डाल देनी है। हम इसको हटा देंगे और कौन से महीने की बनानी है, जैसे हमें अभी इसी महीने की बनानी है तो हम यहाँ पे 1/6 यहाँ पे हमने ले लिया 2022। ये देखिए इस तरह से ये इस महीने की यानी जून मंथ की अटेंडेंस शीट बन रही है। सिंपल हमें खाली इसको ड्रैग कर देना है, ये हमने कर दिया ड्रैग। देखिए इस महीने में 30 डेज होते हैं, हमने कॉलम लिए हैं 31 के, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 अपने आप आ गया क्योंकि 31 नहीं होता है इसलिए 1 ले लिया। आप चाहें तो इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ये देखिए मैंने इस कॉलम को डिलीट कर दिया। अब हमें डे निकालना है कि संडे मंडे तो डे नहीं आएंगे, तो यहाँ पे डेज कैसे निकालेंगे। डेज के लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना है, वो है टेक्स्ट, TEXT टेक्स्ट। ब्रैकेट ओपन करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे पूछा जा रहा है वैल्यू, वैल्यू क्या जो हमने अभी डेट ली है वो, और फॉर्मेट टेक्स्ट में डबल इनवर्टेड कॉमा करके हमें लिखना है DDD, यानी 3 बार D लिखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ SUN संडे,
और अगर आप चार बार डी लिखेंगे तो SUNDAY पूरा आ जाएगा संडे। ये डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज किया और इसको ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया, देन एंटर। एक तारीख को था वेनसडे, यहाँ पे अगर हम ये डेट निकालते हैं तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, देखिए एक तारीख को वेनसडे था, इसका मतलब है कि सही फॉर्मेट है। अब इसको आप ब्रैक कर दीजिए, यहाँ तक लास्ट तक हमने कर दिया, तो इस महीने में जहां जहां संडे था वो सभी संडे इंक्लूड हो चुका है। अब संडे हाईलाइट करना है, संडे हाईलाइट करने के लिए ये पूरा रेंज आप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे आप जाएंगे न्यू रूल्स पे। न्यू रूल्स पे जाने के बाद लास्ट वाला ऑप्शन लेना है, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, और यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा देना है। अब फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इस टैक्स को सेलेक्ट कर लेंगे जो हमने डेज का बनाया है वो, इक्वल्स टू किया डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करके संडे, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब देखिए ये जो है वो डिफॉल्ट, आप थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे ये चीज लॉक की हुई है, यानी वो रेंज जो है वो लॉक की हुई है, जो सेल हमने सेलेक्ट किया था वो डिफॉल्ट लॉक है, उसमें डॉलर का साइन लग रहा है, वो लॉक किया हुआ है। आपको उसको क्या करना है, अनलॉक करना है, लेकिन अनलॉक किसको करना है ये ध्यान रखिएगा, हमें संडे जो है वो वर्टिकल में लेना है, ठीक है, तो वर्टिकली वाली रेंज को हमें अनलॉक करना है ताकि वो वर्टिकल में आ जाए। तो सी के आगे का यानी कॉलम को अनलॉक करेंगे, रो को नहीं, तो कॉलम को कर दिया हमने अनलॉक। फॉर्मेट में जाओगे, फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पे फील्ड्स में कलर चूज कर लीजिए, ये हमने कलर चूज कर लिया रेड, फॉन्ट का कलर कौन सा देना है ये फॉन्ट का कलर ले लिया, उसके बाद यहाँ पे आपको कलर चूज कर लेना है, कलर हमने रेड के ऊपर व्हाइट ले लिया और ओके कर दिया, देन ओके। देखिए संडे हाईलाइट हो गए, कौन कौन सी डेट को संडे था, 5, 12, 19 और 26, इसको हम ड्रैग कर देते हैं यहाँ से, ये देखिए हमने इसको ड्रैग कर दिया, तो देखिए सभी जगह संडे आ गया। अब वही चीज करेंगे यहाँ पे, बाकी सारे पार्ट में हमें क्या लिखना है, अब्सेंट, तो हम यहाँ पे अब्सेंट मार्क कर देंगे, जहां जहां भी होगा वो अब्सेंट है। ये हमने पिछले में रिकॉर्ड में कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा रखी थी, तो देखिए यहाँ पे भी वही फॉर्मेटिंग आपको दिख रही है, ये देखिए क्योंकि हमने उसी पे से डेटा हटाया और वापस ऐड किया, तो फॉर्मेटिंग तो चल रही है। अब बाकी जगह पे आपको पी प्रेस करना है, तो एरिया सेलेक्ट कर लें, फाइंड एंड रिप्लेस में चले जाएं, रिप्लेस में खाली पी प्रेस कर लें यहाँ पे और रिप्लेस ऑल कर दें, तो ये देखिए इस तरह से ये अटेंडेंस शीट में आपकी संडे भी इंक्लूड हो जाता है। अब आप चाहें तो एक कॉलम और बना सकते हैं, ये तो हमारा बन गया प्रेजेंट का, ये बन गया हमारा अब्सेंट का, और एक हम और बना देते हैं यहाँ पे कॉलम, वो बना देते हैं हॉलीडे का। ये देखिए, और इसका भी बॉर्डर हम बना देते हैं। अब आपको प्रेजेंट और अब्सेंट मार्क करनी है, इक्वल टू किया काउंटिफ ब्रैकेट ओपन, उस रेंज को आप सेलेक्ट कर लें, यहां पे क्या लिखेंगे, डबल इनवर्टेड कॉमा में पी, डबल इन कॉमा क्लोज, देन ब्रैकेट क्लोज, 24 इनकी हो गई है प्रेजेंट, अब्सेंट कितनी हुई वो भी देख लेते हैं काउंटिफ के फॉर्मूले से, उस रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे और इसमें हमें क्या करना है, अब्सेंट ए, ये देखिए 24 और 2 26, यानी चार संडे भी हो गए, वो संडे यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे। यहाँ पे हम चाहें तो संडे लिख सकते हैं, ये देखिए चार संडे आ गए, तो 24 और 2 28, 28 और 4 30, ठीक है, ये हो गए आपके 30 डेज पूरे। इसी को हम फॉर्मूले को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए सभी पे आपको प्रेजेंट, सभी पे आपको अब्सेंट और हॉलीडेज, हॉलीडेज तो सब सेम ही आएंगे इसलिए चार चार संडे आ गए, ये इस तरह से। तो हमारा जो रिकॉर्ड है अटेंडेंस शीट में हम किस तरह से बनाते हैं, तो इस तरह से आपकी अटेंडेंस शीट रेडी होती है, जिसमें आप संडे अलग से हाईलाइट कर सकते हैं, कोई हॉलीडेज है उनको अलग से हाईलाइट कर सकते हैं। इसी का एक एडवांस पार्ट और है जो हम आपको इसके आगे भी बताएंगे।
देखिए, एक तरह की और हम अटेंडेंस शीट आपके सामने लेके आए हैं। इसको हम कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं कि हमें किसी एक मंथ को चेंज करें तो सारा डेटा चेंज हो जाए। उसमें संडे भी अलग अलग, हर मंथ में संडे अलग अलग डेट को आता है, तो वो किस तरह से हम आइडेंटिफाई करें कि कैसे हमारी अटेंडेंस, एक ही अटेंडेंस शीट हर मंथ के लिए रेडी रहे। तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे मंथ चेंज किया, अभी जनवरी मंथ है, जनवरी में देखो 2 तारीख को संडे है, 9 को है, 16 को है, 23 को है, 30 को है। हम यहाँ पे अगर मंथ चेंज करते हैं, यहाँ पे हमने मंथ चेंज किया फरवरी, फरवरी में तो देखिए संडे भी अपने आप ऑटोमेटिकली 6 डेट पर चला गया है, 13 भी, और 20 को संडे है और 27 को वापस, और 28 डेज यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। कोई भी मंथ आप चेंज करें, देखिए यहाँ पे हम कोई भी मंथ चेंज करते हैं तो यहाँ पे भी उसकी स्टार्टिंग डेट और उसकी एंडिंग डेट दोनों दिखाई देती है, और यहाँ पे संडे भी हर मंथ का आपको सामने दिखाई देता है। तो ये किस तरह से बनाया जा सकता है कि हमें एक ही बार काम करना है, एक ही बार हमारी मेहनत करनी है, और हमें अपनी अटेंडेंस शीट को हर मंथ के लिए रेडी रखना। आप चाहें तो अलग अलग ईयर भी, हमने यहाँ पे सिर्फ ईयर अभी 2022 लिया है, आप चाहें तो इसमें ईयर भी इस तरह से ले सकते हैं जैसे हमने अलग अलग मंथ लिए। अब उनको कैसे लेते हैं वो हम देखते हैं। एक नई शीट ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम कुछ चीज जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमें सिर्फ मेन हमारा जो फोकस है कि कैसे हम इसको फॉर्मेट को बनाएं वो हम आगे देख लेंगे, लेकिन ये कुछ चीजें जो है हम डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको हेडिंग को कॉपी पेस्ट कर लिया, नेक्स्ट शीट पे जाके यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके पास ये मंथ और ये कुछ दो रो जो है हम छोड़ देते हैं, बाकी आप सीरियल नंबर और ये कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सीरियल नंबर और नाम का जो कॉलम दे रखा है हम इन दोनों को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमारा थोड़ा समय बचेगा और हम थोड़ा सा फास्टली काम आपके लिए लेके आ सकते हैं। दो कॉलम हम छोड़ देते हैं, यहाँ पे हमने ले लिया ये, इस तरह से सेट हो जाता है। कहाँ तक हमें नंबरिंग एड करनी है वो भी हमें ध्यान रखना है। अभी हम पहले यहाँ का काम कर लेते हैं, तो पहले एक रफली हम नंबर डाल लेते हैं ताकि हमें आइडिया लगेगा कि कहाँ तक हमें लेना है, फिर उसका फॉर्मेट भी हम जैसे पिछली अटेंडेंस शीट में भी हमने देखा था करना, वैसा ही हम कर लेंगे। यहाँ पे हमने अटेंडेंस शीट को ले लिया है, 31 तक ले लेते हैं एक बार, और इसका हम फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर देते, कंट्रोल के साथ माउस का स्क्रॉल मूव करेंगे तो इसका जूम साइज थोड़ा कम हो जाता है, और हम इसमें बॉर्डर सेट कर देते हैं और इसका फॉर्मेट भी चेंज कर देते हैं। फॉर्मेट भी हमने बताया था कि हम इसकी कॉलम की साइज कैसे कम करते हैं, फॉर्मेट पे जाके यहाँ से हम करेंगे कॉलम की साइज कम, तो हमने यहाँ पे ले लिया है 5 width ले लिया हमने, ओके कर दिया। देखिए सबकी विथ हम कम कर चुके हैं और इसकी साइज थोड़ी हम वापस इंक्रीज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने जो बनाया है ये मंथ, इस तरह से मंथ और ईयर का जो हमने लिया है ये कैसे किया जा सकता है तो वो भी हम कर लेते हैं। यहाँ पे हमें फॉर्मेट में ये हम एक तो बना देते हैं, यहाँ पे इसको हम कर देते हैं मर्ज एक्रॉस, यहाँ से हम ले लेते हैं इसको मर्ज एक्रॉस कर लेते हैं, ये मर्ज एक्रॉस। ये सब चीजें आपने बेसिक में पढ़ी हुई है, वही चीज हमने यूज की है। ये हमने इसको भी मर्ज एक्रॉस कर दिया है, से क्या होगा वर्टिकल लाइंस आपको रिमूव होती हुई दिखाई देगी, सिर्फ हॉरिजॉन्टल दिखाई देगी। और एक चीज जो हमने यहाँ पे बनाई है स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट, वो भी हम ले लेते हैं, यहीं पे हम बना देते हैं, ये हमने यहीं पे बना दिया है इसका स्टार्टिंग डेट, यहाँ तक ले लेते हैं ये स्टार्टिंग डेट। इसमें हम शेडिंग कर देते हैं, शेडिंग करने से क्या होगा वो कलर बिल्कुल हट जाता है, यानी कलर व्हाइट कर दिया तो व्हाइट में व्हाइट दिखाई नहीं दे रहा। इसका हमने बना दिया आउटसाइड बॉर्डर, ये देखिए इस तरह से आउटसाइड बॉर्डर बना, अब पीछे सेल दे रखा है लेकिन आपको रनिंग में दिखाई नहीं दे रखा है, और इसको हम चाहें तो मर्ज कर सकते हैं, ये हमने मर्ज कर दिया। यही सेम हम यहाँ पे भी कर देंगे, इसी हमने ये सेल को भी सेलेक्ट कर लिया, इसमें शेड फील कर दिया, बॉर्डर दे दिया आउटसाइड बॉर्डर, और इसको मर्जन सेंटर कर दिया, सेंटर वाला जो है उसको भी हम ले लेते हैं मर्जन सेंटर से। अब ये हमारे पास इस तरह से बन गया है, और इसको भी हम चाहें तो इसी तरह से फॉर्मेट में दे सकते हैं। इसको हमने शेडिंग किया और आउटसाइड बॉर्डर बना दिया, देखिए इस तरह से, और ये भी हम शेड से यहाँ से कलर इसका हटा देते हैं, ये देखिए हमने शेडिंग कर दिया, और फिर बाकी पूरे एरिया में हम यहाँ पे क्या कर देंगे बॉर्डर लगा लेंगे आउटसाइड बॉर्डर। ये देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से फॉर्मेट बन जाता है। हमने यहाँ पे आपको मंथ और ये दिया है तो हमें भी यहाँ पे मंथ और लेना है, कैसे लेंगे देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले मंथ का देना है, मंथ यानी हमें यहाँ पे मंथ लिखना है, एक तो हमें ये
हमने मंथ लिख लिया और इसी के नीचे वाले सेल में हमने ईयर ले लिया। और इनकी साइज भी थोड़ी हम इंक्रीज कर देंगे। पहले हम मंथ का वैलिडेशन बनाते हैं। वैलिडेशन कैसे बनेगा? वैलिडेशन बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, इसको हम थोड़ा सा इसको भी मर्ज एक्रोस में सेट कर देते हैं। ये मर्ज एक्रोस कर दिया हमने और इसको भी नीचे से मर्ज एक्रोस कर दिया। अब हम यहाँ पे डेटा वैलिडेशन बनाना चाहते हैं, मंथ का वैलिडेशन बनाना चाहते हैं। तो वैलिडेशन बनाने के लिए हमने यहाँ पे देखिए मंथ ले रखे हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक। हमें यहाँ पे वैलिडेशन लेना है। वैलिडेशन के लिए आपको डेटा टैब में जाना है, यहाँ पे लेना है आपको डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में आपको कौन सा ऑप्शन लेना है, लिस्ट चूज करनी है। लिस्ट में आपको सोर्स में ये मंथ लेने हैं, हमने ये मंथ ले लिए, ओके कर दिया। देखिए यहाँ पे ये मंथ आ जाते हैं, ठीक है, जो भी मंथ आप चाहते हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे हमें ईयर लेना है तो ईयर भी आपको वैलिडेशन में सेट करना है। अलाउ में यहाँ पे जाना है, लिस्ट में। अगर आपने अलग अलग ईयर ले रखे तो आप अलग अलग ईयर आप सोर्स में डाल सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं है तो आप, जैसे मुझे यहाँ पे 2022 का ही चाहिए, मैंने 2022 का ही लिख दिया। यहाँ पे देखिए 2022 आ गया। ये हम इस तरह से इंक्लूड करते हैं और इनको हम थोड़ा सा फॉर्मेशन बदल देते हैं। अब साइज इनकी हम इंक्रीज कर देते हैं थोड़ी सी, इनका सेंटर अलाइनमेंट ले लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से फॉर्मेट आपका रेडी होता है। यहाँ पे हमें बनाना है डेट, स्टार्टिंग डेट और एंड डेट। अब स्टार्टिंग डेट कैसे लेंगे, स्टार्टिंग डेट के लिए आपको एक फॉर्मेट लगाना है, वो है आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करना है डेट वैल्यू का। ये हमने डेट वैल्यू का एक फॉर्मूला लगाया। इसमें आपसे देखिए डेट टेक्स्ट पूछा जा रहा है, आपको यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में वन लिखना है, वन के साथ फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है, एंड का साइन लगाना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको मंथ लेना है। ये जो मंथ आपने लिया है ये मंथ लेना है, उसके बाद वापस एंड का साइन लगाएंगे और फिर ये ईयर ले लेंगे। इससे आपकी स्टार्टिंग डेट आ जाएगी। अभी देखिए यहाँ पे सिर्फ नंबर आ रहा है, हम इसकी साइज देखिए इंक्रीज करते हैं। ये देखिए अभी सिर्फ नंबर दिख रहा है आपको, हमें नंबर हटा के यहाँ पे आपको डेट लेनी है। अब शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट जो भी आप ले लीजिए, जैसे हमने शॉर्ट डेट ले ली, ये आपकी शॉर्ट डेट आती है। अब हमें इसी में आपको यहाँ पे हम लिख देते हैं टू, फॉर्मेट हमने ले लिया। अब यहाँ पे हमें एंड डेट चाहिए। एंड डेट के लिए हमें क्या करना है, इक्वल्स टू करेंगे, हमें यहाँ पे लेना है ईओ मंथ, एक फॉर्मूला होता है ईओ मंथ का, वो ले लेंगे, स्टार्टिंग डेट लेंगे और कॉमा जीरो कर देंगे। ये कॉमा हमने जीरो क्यों किया, क्योंकि स्टार्टिंग डेट यानी जो मंथ की स्टार्टिंग डेट है उसके साथ हमें उसी मंथ की लास्ट डेट चाहिए, इसलिए। ये देखिए यहाँ पे भी वही आ जाता है, फॉर्मेट हम यही दे देते हैं। ये देखिए स्टार्टिंग से लास्ट डेट आपकी आ जाती है। यहाँ पे आप मंथ चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पे भी मंथ चेंज होती हुई आपको दिखाई देगी। ये देखिए ये स्टार्टिंग डेट है और ये एंड डेट है। कोई भी डेट आप यहाँ से लेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज होता हुआ आपको नजर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम जो देख रहे हैं वो अब हमें यहाँ पे डेट मेंशन करनी, ये डेट हम वापस रिमूव कर देते हैं। ये डेट हमने क्यों ली थी, एक बार हमें सिर्फ आईडी के हिसाब से कितना हमें शीट का देना है, तो इसलिए हमने लिया था कि हम कहाँ तक बनाना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे हमें डेट लेनी है, तो डेट, अच्छा आप पहले चाहें तो पहले इसमें बॉर्डर दे सकते हैं। हम यहाँ पे पहले बॉर्डर बना देते हैं, ये हमने इतना एरिया कवर कर लिया, बॉर्डर बना दिया, इसमें बॉर्डर बनाएंगे ऑल बॉर्डर, ये देखिए बॉर्डर बन जाता है। अब हमें यहाँ पे डेट लेनी है, तो डेट हम पिछले जैसे रिकॉर्ड पे हमने ली थी वैसे नहीं लेंगे, पिछली अटेंडेंस शीट जैसे। हम इसमें कुछ नया तरीका आपको बता रहे हैं, ये आपके पास जो स्टार्टिंग है इक्वल टू करो और ये स्टार्टिंग डेट यहाँ पे ले लो, एंटर कर दो। देखिए यहाँ पे ये स्टार्ट डेट, क्योंकि इसका लिंक हमें यहाँ पे देना जरूरी रहेगा, इसीलिए हमने ये लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट जो डेट है, जो टू नंबर यानी टू जो डेट होती है वो हमें लेनी है, तो वो डायरेक्टली नहीं लेंगे, जो पिछले फॉर्मेट में हमने सिखाया वैसा भी नहीं लेंगे, हम कुछ डिफरेंट करेंगे। आप क्या करेंगे डिफरेंट वो देखिए, इक्वल्स टू करेंगे, इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, लॉजिकल टेस्ट में यहाँ पे हमें ये वाली डेट लेनी है जो हम ऑलरेडी अभी ले चुके हैं वन, जो हमने इसी डेट से लिया है। उसके बाद यहाँ पे लेंगे लेस देन, फिर लेंगे लास्ट डेट, फिर कॉमा लगाएंगे और इस लास्ट डेट वाले सेल को आप फिक्स कर दो F4 करके। उसके बाद हमें वही सेल का डेटा लेना है यानी डेट लेनी है, प्लस कर देना है 1, उसके बाद कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब हमने ये फॉर्मूला क्यों लगाया सुनिए,
यदि ये सेल, यदि C4 वाली सेल जो है, वैल्यू जो है वो लास्ट डेट, यानी लास्ट डेट जो दे रखी है हमारी 31/5/22, इस वैल्यू से यदि कम होती है तो उसमें एक ऐड कर दिया जाए, इस वाले सेल में क्या कर दिया जाए, एक ऐड कर दिया जाए, और अगर नहीं है तो उसको खाली छोड़ दिया जाए। ये हमें यहाँ पे इस तरह से ऐड करना है और हम इसको कर लेंगे ब्रैक। ये कुछ इस तरह से देखिए 31 तक आपके डेट मेंशन हो जाती है। अब हमें लेना है डेज, जो हमें पिछले रिकॉर्ड में भी हमने लिया था। टेक्स्ट हमने फॉर्मूला लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, वैल्यू में क्या लेंगे ये ऊपर वाला सेल, उसके बाद फॉर्मेट टेक्स्ट में 3 बार डी 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 डी, शॉर्ट में अगर हमें लिखना है तो, बाकी अभी फुल में लिखना है तो 4 बार डी लिख देंगे। क्लोज किया, एंटर किया, ये आ गया संडे। ठीक है, अब इसको भी हम कर देते हैं ड्रैग। देखिए यहां तक हमारा ये सेट हो जाता है। अब हमें क्या करना है, संडे को हाईलाइट करना है। उस पूरी रेंज को हाईलाइट करेंगे तो हम पूरा एरिया यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसमें हमें संडे हाईलाइट करने के लिए वही प्रोसेस यूज करना है। कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाना है, न्यू रूल्स पे जाना है, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, और यहाँ पे हमें ये वाला सेल सेलेक्ट करना है, इक्वल्स टू करना है, डबल इनवर्टेड कॉमा में संडे लिखना है, इसको डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज, और इसका कॉलम नंबर के आगे का डॉलर साइन हम हटा देंगे। फॉर्मेट में जाके यहाँ से हम कलर चूज कर लेंगे, फील्ड का कलर कौन सा देना है, फील्ड का कलर हमने दे दिया रेड, फॉन्ट का कलर कौन सा देना है, फॉन्ट का कलर दे दिया हमने व्हाइट। ये प्रोसेस हम पहले भी देख चुके हैं। देखिए संडे हाईलाइट हो गया, ये संडे संडे आ गया हमारा। लेकिन संडे को हम अब ये जैसे मंथ चेंज करते हैं, ये हमने मंथ चेंज किया, ये देखिए हमने मंथ चेंज किया, ये देखिए आ गया। इसको कंट्रोल जेड वापस करते हैं, यहाँ पे हमने प्रेजेंट लिखा, जैसे हम यहाँ पे प्रेजेंट लिख रहे हैं, और वो संडे में भी प्रेजेंट इंक्लूड हो रहा है, तो हमें ये संडे को जो है वो लॉक करना है, ताकि इस पे हम अगर प्रेजेंट लिख भी दें तो वहां पे वो ऐड नहीं हो पाए, हमको कुछ ऐसी एरर मिल जाए। इसके लिए हमें क्या करेंगे, हमें ये एरिया सेलेक्ट कर लेना है सबसे पहले, और यहाँ पे हमें डेटा टैब में जाके डेटा वैलिडेशन यूज करना है। डेटा वैलिडेशन लिया, यहाँ पे आपको लेना है कस्टम, और यहाँ पे एक फॉर्मूला, हमें फॉर्मूला क्या बनाना है, इक्वल्स टू करेंगे, ये सेल हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद लेस देन, फिर ग्रेटर देन, और डबल इनवर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे संडे, और डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज। इस तरह से हमें इसमें ऐड करना है, और यहाँ पे हमें इसको ये ध्यान रखना है जो रो नंबर है उसके आगे हम डॉलर का साइन लगा देंगे, ये इस तरह से कॉलम पे नहीं लगाएंगे लेकिन रो नंबर पे लगाएंगे। इसको ओके कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम जैसे ही पी प्रेस करेंगे तो हमें देखिए यहाँ पे एरर आ गई है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे वैलिडेशन ऐड कर दिया। जैसे ही हम यहाँ पे पी प्रेस करेंगे हमें क्या मिलेगा, ये डेटा वैलिडेशन पे हमने लॉक किया हुआ है, इसलिए संडे वाली रेंज पे आप प्रेजेंट नहीं लगा सकते, बाकी रेंज पे आप प्रेजेंट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए लगा सकते हैं। देखिए ये इस तरह से संडे इंक्लूड हो रहा है, जिस तरह हम प्रेजेंट लगा रहे हैं तो ये प्रेजेंट लग रही है, बाकी सभी सेल पे लग रही है लेकिन यहाँ पे नहीं लग सकती, किसी भी संडे वाली रेंज पे आप लगाएंगे तो ये नहीं लग जाएगी। अब अगर हम यहाँ पे मंथ चेंज करते हैं, हमने यहाँ पे मंथ चेंज किया, जून ले लिया, देखिए संडे डेट चेंज हो गया, यहाँ पे भी अगर हम करना चाहेंगे तो भी वही वैलिडेशन आपने लगा रखा है डेटा वैलिडेशन, इसलिए वो लॉक किया हुआ है, यानी संडे पे हम किसी भी तरह का कोई भी एंट्री नहीं कर पाएंगे, ना एब्सेंट ना प्रेजेंट। इस तरह से ये परफेक्टली आपकी अटेंडेंस शीट बनती है। हर मंथ के हिसाब से, हर ईयर के हिसाब से आप अपनी अटेंडेंस शीट बना सकते हैं, अलग अलग तरीके से आप बना सकते हैं। हमने आपको तीनों प्रोसेस बताए हैं, तो तीनों प्रोसेस में से जिस तरह की आप अटेंडेंस शीट अपने डेटा के लिए बनाना चाहते हैं उस तरह की अटेंडेंस शीट आप बना सकते हैं।